हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूँ हाशिम। आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है यकीन नहीं आ रहा इंडिया विंस, इंडियन पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेज इंग्लैंड फोर टेस्ट पाक मीडिया। देख लेते हैं क्या है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनमें, काफ़ी अच्छा खेले हैं। इस तरह होना चाहिए था क्योंकि इंग्लैंड का गुरूर टूटना चाहिए था। ये बहुत गुरूर करते थे ना गोरे, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। बाहर जाके खेलना ये तो बड़ी, मैं कहता हूँ वो इंग्लिश विकेट, आपको पता है कि वहाँ खेलना कोई आसान काम थोड़ी है। एशिया प्लेयर हो, लेकिन वो इनकी इतनी अच्छी टीम है इंडिया की, हालांकि मैं लाइक नहीं करता इंडिया को क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ तो, लेकिन उनकी सेट बहुत अच्छी है। रोहित का कैच, दो कैच छूटे हैं, उसके बाद मैंने मैच ही बंद कर दिया। पता था यार इंडिया अब जीतेगा जीतेगा, पता नहीं उन्होंने खुद जिताने आए हुए इंग्लैंड वाले तो इंडिया को, खुद हारने आए हुए इंग्लैंड वाले। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो मैच था ये इंग्लैंड खुद से हारा, ये कहना चाह रहा है? पता लग रहा है देख के यार, रोहित शर्मा के दो कैच छोड़ दिए, उसके बेचारे की ओवरसीज की सेंचुरी आज मुकम्मल हो गई है उनकी वजह से, कैच छोड़ने की वजह से। हेलो, दिस इज वलीद रोफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दी, मैं फौरन बाहर निकल के कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस मैच में लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, पहली इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने अच्छा कमबैक किया, उसके बाद जिस तरह तीसरी इनिंग्स में इंडिया ने कमबैक किया और टारगेट दिया इतना खतरनाक किस्म का, रोहित शर्मा की सेंचुरी, तो बहुत मजा आया देखने का। मैं आ गया हूँ बाहर लोगों से बातें करने, इनसे पूछेंगे, इनसे बातें करेंगे इनको कैसा लगा। तो एक रिक्वेस्ट थी, एक सपना था मेरा कि मेरी भी किसी वीडियो पे 100K लाइक्स आए, सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, बटन मेरे पास भी आ जाए। लेकिन एक सपना ये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप खुश हैं इंडिया के जीतने से तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जरा लोगों से बातें करें, इनको कैसा लग रहा है इंडिया ने मैच जीत गया, हालांकि पाकिस्तानी रिएक्शन बड़ा हैवी होने वाला है आज का, आज जरा देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जमशेद है। जमशेद भाई, आपने तो देखा होगा क्रिकेट, तो आपको पता है आज इंडिया ने 2-1 से सीरीज को आगे कर दिया, इंडिया जीत गया इंग्लैंड के अंदर, क्या कहेंगे? वैसे तो मैं आपको बेटा बात बताऊँ, आपको मैं इंडिया को पसंद नहीं करता, लेकिन इंडिया इतनी अच्छी टीम है, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं वो, और मेरे हिसाब से वो इंशाल्लाह ताला, जैसे रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है तो मेरे हिसाब से वो जीतेंगे वो। मैंने आपने मेरे से ज़्यादा क्रिकेट देखी होगी, तो ना क्रिकेट नोट आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसमें वो अच्छे जा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। असल पता क्या बात है, उनके कोच बहुत अच्छे हैं, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, उनकी बहुत अच्छी बैलेंस कोच है। जैसे कि देखें आप, वो स्पिनर थे वो क्या, शास्त्री, रवि शास्त्री, वो इतने अच्छे बॉलिंग बैट ऑलराउंडर थे, उनको कोच बड़े अच्छे मिले हुए हैं, ऊपर से बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो जीत भी रहे हैं। और देखें कि आगे वहाँ जाएंगे इंग्लैंड में जाके जीतना कोई आम बात थोड़ी है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हराया है, इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर भी हराया है, तो एज आपने मेरे से ज़्यादा क्रिकेट खेली, आपके समझने के ये कोई आसान काम होता है हराना कि बहुत मुश्किल? नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है, और बाहर जाके खेलना ये तो बड़ी, मैं कहता हूँ वो इंग्लिश विकेट, आपको पता है कि वहाँ खेलना कोई आसान काम थोड़ी है। एशिया प्लेयर तो जितने भी होते हैं आपको पता, कोई ना कोई, जैसे या पाकिस्तानी जहीरबाज था, ऐसे माजिद खान थे, वो अपने दौर में इतने अच्छे खेलते थे, वो सेंचुरी भी मारी हैं वहाँ पे उन्होंने जाके, बाकी काम ही चलते हैं, लेकिन वो इनकी इतनी अच्छी टीम है इंडिया की, हालांकि मैं लाइक नहीं करता इंडिया को क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ तो, लेकिन उनकी सेट बहुत अच्छी है। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, हमने देखा, कैसी लगी परफॉर्मेंस उनकी? मैं कहता हूँ बड़ा ए वन वो खेला, वो इतनी अच्छी बैटिंग की है उसने, इतने अच्छे क्लास के शॉट मारे हैं, वो वर्ल्ड प्लेयर है वो। मतलब कोहली की कैप्टनसी पे कुछ कहना चाहेंगे? विराट कोहली की कैप्टन, विराट कोहली जो है देखे यंग प्लेयर है, ऊपर से उस वो खुद भी अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर बहुत अच्छी उनकी साइड है, ऊपर से अंडरस्टैंडिंग उनकी प्लेयरों के साथ बहुत अच्छी है, मतलब वो अपनी टीम को एज अ फैमिली लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुल्क के लिए खेलते हैं ना, मुल्क के लिए वो खेलते हैं, और मैं कहता हूँ आगे जाकर उन्होंने और भी बहुत अच्छी सेट के साथ खेलते हैं। अब तक टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होने वाला होगा, लेकिन मुझे
पाकिस्तान जो है ना, बस आपको पता ही है वो कैसे प्लेयर है, कोई एक को चांस देते हैं एक मैच में वो नाकाम हो जो से बाइट बढ़ा देते हैं, ये सियासत चलती है पाकिस्तान में आपको पता है। मैच मैंने अभी पहले इनिंग्स में देखना शुरू किया था और जैसे कोहली का कैच छूटा ना, मेरा सारा सत्यानाश मैच का वहां से बच गया, वहां से मैंने मैच देखना छोड़ा है। दूसरी इनिंग्स मैंने कहा इंडिया की चलो देख लो, शायद कोहली की सेंचुरी 71st जो होनी है वो मिल देखने को मिल जाए। वहां पे जब रोहित का कैच, दो कैच छूटे हैं उसके बाद मैंने मैच ही बंद कर दिया, पता था यार इंडिया अब जीतेगा जीतेगा, पता नहीं उन्होंने खुद जिताने आए हैं इंग्लैंड वाले, तो इंडिया को खुद हारने आए हैं इंग्लैंड वाले। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो मैच था ये इंग्लैंड खुद से हारा, ये कहना चाह रहा है? पता लग रहा है देख के यार, रोहित शर्मा के दो कैच छोड़ दिए उसके बेचारे की ओवरसीज की सेंचुरी आज मुकम्मल होगी उनकी वजह से, कैच छोड़ने की वजह से। फर्स्ट ओवरसीज की उन्होंने सेंचुरी मारी लेकिन दो कैच तो छोड़ दी, लेकिन उसके बाद अगर मैं उसे पूछूं कि आप उसकी इनिंग्स को एनालाइज करें तो आप क्या कहेंगे उसकी इनिंग्स, आपकी रेट कैसे, 10 में से कितने नंबर देंगे? इनिंग्स तो बेशक उसकी शानदार थी और हिटमैन उसे कहते हैं, किसी वजह से हिटमैन कहते हैं उसे, और देखें जो जो बाउंसर कोहली से नहीं खेला जाता वो रोहित शर्मा खेल लेता है और वो छक्के मारता है उस बाउंसर पे उड़ा उड़ा के। यानी आपकी नजर में इंग्लैंड की पुअर परफॉर्मेंस थी इस मैच में, तब भी इंडिया बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस इंग्लैंड की, जान के कैच छोड़ रहे हैं इन्होंने। आप कहना चाह रहे हैं मतलब ये बिके तो नहीं थे? पहले वही हिसाब था, आईपीएल वाला हिसाब था इनका, बिके हुए थे सारे। ऑस्ट्रेलिया में भी तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, तो उस पर क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया देखें एशीज में इंग्लैंड को हरा देती है, लेकिन अब इंडिया से इंग्लैंड को नहीं रहेगा यहाँ पे। अगला मैच भी पड़ा, क्या पता इंग्लैंड जीत के लेवल कर दे। दुआ तो है हमारी कि जीत जाए अब इंग्लैंड, लेकिन इंडिया के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। कोहली की कैप्टनशिप पे कुछ कहना? कोहली की कैप्टनशिप कमाल है, बेशक वो बैटिंग में आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन कैप्टनशिप में उसको दाद देनी पड़ेगी, बेस्ट कैप्टनशिप कार्ड है वो। ये तो आपके बाद अच्छी है, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, पुजारा खबर, हमने कभी नहीं उस बंदे को देखा इतना तेज खेलते हुए, उसने कौन सी दवाइयां खा ली? आज वो बेशक तेज खेला लेकिन वो राहुल ड्राविड 2.0 है पुजारा इंडिया का, जो राहुल ड्राविड द वॉल था ना वो इस बार पुजारा बनेगा इस बार वो। आप भाई भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी है, राहुल ड्राविड द वॉल के नाम से जो मशहूर है, पुजारा को भी इन्होंने द वॉल कह दिया, यानी दीवार है पुजारा। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब वो क्रीज के ऊपर आ जाता है वो नहीं आउट होता होता, और जिस तरह से आजकल उसका इतने अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, क्या कहें? यकीन नहीं आ रहा था मुझे, तो लगा था सारी बॉलिंग बीट करने आया हुआ है, लेकिन उसने ऐसी कमाल स्ट्राइक रेट से खेला है, दिल आ गया था पुजारा की बैटिंग पे। तो गाइस यहाँ पे मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम खीजर है। मुझे ये बताएं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, क्या जबरदस्त तरीके से हराया, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल कहना चाहूँगा, इंडिया ने काफ़ी मेहनत की है, लगन की है, वैसे हम उनको पसंद तो नहीं करते लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, काफ़ी मेहनत से लगन किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनने, काफ़ी अच्छा खेले हैं, इस तरह होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड का गुरूर टूटना चाहिए था, ये बहुत गुरूर करते थे ना गोरे, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। मतलब उनको घर में हरा दिया, उनका सारा गुरूर टूट के रह गया। इनकी बात बड़ी मजे की थी, इन्होंने कहा ये इंडिया को पसंद नहीं करते लेकिन जो इंग्लैंड का गुरूर तोड़ा ना वो बड़ा जबरदस्त था। तो इस पे आपका फेवरेट प्लेयर वैसे कौन था? मेरा वैसे फेवरेट प्लेयर तो कोहली है, लेकिन जो रोहित शर्मा ने खेला ना बहुत लेवल खेला, कमाल मजा आया देख के। उसने तो खीर ही कर दी ना, मतलब इंग्लैंड कंडीशन में जाके आप इतना ज़्यादा रन्स बना दो तो लेवल हो गया। कोहली भी फॉर्म में आ जाएगा, सेंचुरी मार देगा, टेंशन नहीं लेनी। जी इस तरह ही है यार, बस आस्ता आस्ते है, जिस तरह उन्होंने मेहनत किया लेवल हो गया, देख के मज़ा आया मैच का। मुझे पर असल मज़ा ये आया कि उनका ग्रुप टूटा है, ये आया। वैसे हम इंडिया को इतना पसंद नहीं करते ना, इनकी इतनी औकात है, लेकिन आज उन्होंने लेवल खेला ना वो मज़ा आया। पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड की भी सीरीज शुरू होने वाली है, लगता है पाकिस्तान हरा देगा इंशाल्लाह, अगर अपनी मेहनत से करेगा, खेलेगा, लगन दे। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का मैच भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हम पाकिस्तान के साथ। कौन सेंचुरी मारेगा ये देखें अब। तो क्या कहना चाहेंगे यार भाई, जो सही खेलेगा अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा, वो उनकी गेम थी, वो अच्छा खेले, उनके प्लेयर ज्यादा थे वो जीत गए। मतलब आपको लगता है कि इंग्लैंड ने गंदी परफॉर्मेंस दी, अच्छा नहीं खेला? नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा ना, गंदी फॉर्मेंस करेगा तो वो हरेगा ही। आपकी नजर में कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आपको बड़ा पसंद आया इस मैच के अंदर? राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, उसने तो आज लेवल ही कर दिया, मतलब इतना जबरदस्त उसने रन पहले बनाया, उसके बाद फील्डिंग में एफ वन बनता है, तो रोहित शर्मा के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, पसंद करते हैं आप जी? उसके अलावा बॉलिंग में कौन सा आपको अच्छा लगा बॉलर? सन, इनकी बॉलिंग आपने देखी, अच्छी लगी आप? जी भाई अच्छी लगी। यॉर्कर बड़े मारते हैं, लेंथ बॉल पे बड़ा स्विंग करते हैं, तो आपको पसंद आया? जी जी।
पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू। जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी, काफी लोगों ने कहा कुछ खुश खुश थे, कुछ कह रहे थे कि इंग्लैंड अपनी वजह से गलती से हार है, तो ये ही होता है रिएक्शन। कुछ खुश होते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन इसको कहते हैं जेन्युइन रिएक्शन। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हुई, इंशाल्लाह अगली वीडियो। ये थी यार वीडियो, और अगर पीछे से कोई लॉयर अदी एज वाले की आवाज आए तो इग्नोर करना। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस की भाई जान। मेरे से एक बंदा इंटरव्यू लेता है, आप लोग हिट लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट, मैं इस बंदे से कॉन्टेक्ट करूँ और इस बंदे के साथ इंटरव्यू करूँ। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि यार वी आल्सो वांट योर रिएक्शन ऑन दिस ऑन हिस चैनल। इस बंदे से मैं कॉन्टेक्ट करूँगा, इस बंदे को क्या कहते हैं जाकर जो है पूछूंगा इससे कि यार आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो कि नहीं। तो देखते हैं अब क्या होता है उसके आगे। तो बताना, मैं कमाल का चीज़ दे सकता था, पब्लिक रिएक्शन कमाल की चीज़, जिसको कहते हैं ना हर चीज़ कवर, क्योंकि मैंने मैच फॉलो किया है। इनमें से दो तीन लोग ऐसे लग रहे थे जिन्होंने मैच ही नहीं फॉलो किया था। एक बंदा जिसने कोचिंग का कहा, उसको ये नहीं पता होगा कि कोचिज कौन है इंडिया के, जस्ट वो मैचेस देखते हैं। और ये जो है ना कि एक देखना कि इंडिया हार रहा है तो बड़ा ओ इंडिया हार गया, इंडिया जीत रहा है तो हाँ हाँ अच्छा खेले, बहुत अच्छी प्लेयर इस, बहुत अच्छा इसमें है था, इसमें जो है रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला, विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन, इस तरह का रिएक्शन जेन्युइन रिएक्शन भाई आपका देगा। ठीक है, एनालिसिस मैंने किया मैच का। सबसे पहले तो इंग्लैंड जो है ना वो ईजी हो गया था 190 पे ऑल आउट करके, उनको पता था सेकेंड इनिंग्स है, हमने कुट्टी देना है। ठीक है, बेशक वो हो रूट को भी था भाई जान, मैंने कुट देना, लेकिन रूट को जल्दी आउट किया। फिर उसके बाद बेस्टो ऑलीपॉप न्यू प्लेयर, जाहिर है टाइम लगता है थोड़ा सा, न्यू प्लेयर आए तो वो ज़रा उसकी अपनी टेक्निक होती है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑलीपॉप आया, उसने इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त। मोइनेल ने भी अच्छा खेला, मतलब ये प्लेयर्स अच्छा खेले जो इंडिया इंग्लैंड के थे ना, लेकिन नॉट दैट मच, क्योंकि 190 का टारगेट अगर मिला है ना तो इंग्लैंड को 400 प्लस रन करने चाहिए था अगर ये मैच जीतना था। 290 इज़ नॉट समथिंग दैट मच बिग, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने आके पूरी गेम पलट दी और कमाल ही उन्होंने इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा को देख लो, फिर उसके बाद पुजारा को देख लो आप, विराट कोहली ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद शार्दुल ठाकुर आ गए, मतलब सब प्लेयर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन टीम में किया, हर कोई मैच विनर है। बुमराह को देख लो बॉलिंग में, जडेजा को देख लो आप, उसके अलावा सिराज को देख लो, उसके अलावा आप और भी बड़े प्लेयर, शांत शर्मा तो खेले नहीं इस टेस्ट मैच में, मतलब कमाल कमाल की बीच में ना सब ने परफॉर्मेंस दी है। बुमराह की स्पेशली ओलिपॉप पर बेस्टो को जो आउट किया कमाल के, उमेश यादव यार एक्सेप्शनली वेल उन्होंने बॉलिंग किया, उनको भूल गया जो इस टेस्ट मैच में आए थे। यादव ने रोहित रूट को आउट किया, बड़ी विकटें ली यार यादव ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बहुत आला यार टोटल टीम एफर्ट दिखा है और बहुत आला यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना यार जो मैंने आप लोगों को कहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया ऑन विनिंग द वर्ल्ड टेस्ट आफ्टर, मैं कहता हूँ बड़े अरसे बाद 1971 के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है ओवल में, बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, वर्ल्ड टेस्ट।